हुआ ठीक है अब जैसे क्या होता है ध्यान से सुनना अब जैसे ना तुम्हारा ये जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है ठीक है जैसे तुम्हारा ये जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है ये क्या होता है चेंज होता है आज जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट अभी चार परसेंट है फिर साढ़े चार हो जाएगा फिर कभी साढ़े तीन हो जाएगा फिर छह हो जाएगा फिर आठ हो जाएगा फिर दो कुछ भी हो सकता है ना तो वैसे ही फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में भी होता है तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग डेल्टा टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नाउ व्हाट इज डेल्टा टी डेल्टा टी बेसिकली क्या है डेल्टा इज नाउ नॉट कॉन्स्टेंट बट वो टाइम टी का एक फंक्शन बन गया है डेल्टा अब कॉन्स्टेंट नहीं है वो टाइम टी का एक फंक्शन बन गया है तो ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे डेल्टा टी मेरे को दे देगा पॉइंट जीरो टू प्लस तो पॉइंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन भी चेंज होते रहेगा डेल्टा का भी वैल्यू चेंज होते रहेगा ये एक्चुअल में रियालिटी होता है कि भैया विद टाइम डेल्टा शुड चेंज ना इंटरेस्ट रेट तो कॉन्स्टेंट थोड़ी रहता तो चेंज होता है विथ टाइम ठीक है तो अब इस केस में हम लोग किस तरीके से करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हम लोग को जहां से जहां तक अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने बोलेगा हम लोग वहां से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे जैसे मैं एक तो फॉर्मूला बता देता हूं ए जीरो टू एन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है ई e का पावर एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है ई e का पावर एक्सपोनेंशियल जीरो टू एन डेल्टा टी डी टी और अगर मान लो वी जीरो टू एन निकालना हुआ तो सेम चीज करेंगे बस खाली एक माइनस आ जाएगा कॉपी कर लो इसको अगर मेरे को कंटिन्यूस रेंज में कोई भी चीज को सम करना हुआ तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा ठीक है कंटिन्यूअस रेंज में अगर मेरे को कोई भी चीज को सम करना हुआ तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा हमेशा ठीक है कंटिन्यूस रेंज में अगर मेरे को कोई भी चीज को सम करना होगा तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन वेरी गुड अब जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स से देखना क्वेश्चन नंबर सिक्स से पर देखो

टी अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन हटेगा तो क्या आ जाएगा पॉइंट जीरो इंटू सिक्स और ये पूरा चीज ई e का पावर में चला जाएगा तो बेसिकली क्या आएगा ई टू दी पावर जीरो पॉइंट वन सिक्स प्लस पॉइंट डबल जीरो फाइव इंटू सिक्स फोर कितना होता है देवांशी करके देखो बेसिकली ये मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू कितना है बोलिए प्रेजेंट वैल्यू कितना है हजार तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालेंगे ना ये कितना आ रहा है पहले ये बताइए 0.32 बाद वाला आ रहा है क्या 0.32 तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा e टू दावर जीरो पॉइंट फोर एट अब इसको क्या करेंगे हजार से मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दावर जीरो पॉइंट फोर एट को तो मेरा क्या आ जाएगा बोलिए मुंह से मुंह से बोलिए क्या आ जाएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम एट बताओ फाइनल कितना आ रहा है ग्रुप में भेजिए देखो मैम ये सब असाइनमेंट ना बन रहा है तो जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे देते जाएंगे तो उसका हार्ड कॉपी नॉट पॉसिबल इसमें अभी जैसे ये बनाए हैं अभी दूसरा वाला बन रहा है लोन शेड्यूल वो सब सब बन है ठीक है कितना आ रहा है वन सिक्स वन सिक्स पॉइंट जीरो अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सेवन ठीक है वन सिक्स वन सिक्स पॉइंट जीरो सेवन ठीक है ओके okay. अब इसी का सेकंड पार्ट अगर करना है तो कैसे करेंगे बोलो वन थाउजेंड एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन फाइव टू एट बाकी सब चीज सेम रहेगा बोलो ना हाँ पॉइंट जीरो टू प्लस पॉइंट जीरो वन टी ट मुंह से बोलिए डी टी -ती. अब इसको सॉल्व करिए क्या आ जाएगा वन थाउजेंड एक्सपोनशियल एक्सपोनशियल मतलब ई का पावर तो पॉइंट जीरो टू इंटू एट माइनस फाइव इज थ्री प्लस पॉइंट डबल जीरो माइनस ट्वेंटी फाइव अब जो भी नेट में आ रहा है उसको ई का पावर में ले जाइए और एंसर निकालिए इसका क्वेश्चन नंबर टेन है बा करिए खुद से क्वेश्चन नंबर टेन है खुद से करिए ठीक है हाँ क्वेश्चन नंबर एट देखिए डेल्टा टी हम लोग को दे दिया कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3 ऑफ अ पेमेंट ऑफ 500 एट टाइम 10 तो so बेसिकली हम लोग को निकालना है v3 टू 10 तो so सबसे पहले 5 पे एक ब्रेक है देखिए 5 पे एक ब्रेक है 5 के बाद फंक्शन चेंज हो रहा है तो so सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 10 से 5 पे लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग 5 से 3 पे लेके आएंगे राइट तो so हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे v मैं उल्टा लिख दिया अंब्रेला सॉरी सॉरी आई एम रियली वी टू मेरा क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन फाइव टू टेन ठीक है जीरो पॉइंट वन थ्री माइनस पॉइंट जीरो वन टी होल इनटू डी टी क्लियर एवरी वन खाली पीछे लेके आ रहे बोल के ये वाला एक माइनस आ रहा है मेरा ठीक है so, तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ठीक है माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री इंटू फाइव प्लस पॉइंट डबल जीरो फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव इज इट ओके ठीक है इसको सॉल्व करिए पहला बात और दूसरा बात क्या है हम लोग को निकालना है वी थ्री टू फाइव वो तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा ई टू दी पार माइनस पॉइंट जीरो एट इंटू टू दो साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो यही होगा अगर मेरा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो, तो पूरा निकाल लीजिए वी थ्री टू टेन वी थ्री टू टेन निकाल लीजिए ठीक है क्या आ रहा है इसका माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन फाइव आ रहा है क्या कट यू नीड टू डू इट यू नॉट सेट इन द लाइफ क्लास यू आर इन गोवा आर यू एबल टू स्टडी इन गोवा यू हैव होम देयर

एक बार आ जाएगा 500 से उसको मल्टीप्लाई कर देना 500 हंड्रेड इंटू वी थ्री टू टेन कितना आ रही है जोर से बोलो 80 जीरो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बेटा तो 500 हंड्रेड थ्री टू थ्री इज द करेक्ट आंसर थ्री टू थ्री पॉइंट 63. अब एक बात समझना बोलता है कैलकुलेट एनिमल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वी वैलेंट इसका मतलब क्या है थ्री टू थ्री पॉइंट सिक्स थ्री वन प्लस आई के हिसाब से सात साल किस रेट से ग्रो होगा ताकि पांच सौ मिले तो यहां से आई भी निकल जाएगा हम लोग का निकालो अब तो शायद सबको एकदम क्लियरली विजिबल होगा ना अब तो विजिबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे को लग रहा है कितना आ रहा है आई रो पॉइंट जीरो सिक्स फोर वन वन फाइव राइट क्वेश्चन नंबर सेवन देखो क्वेश्चन नंबर सेवन खुद से करना है क्लास वर्क है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दे दिया है कैलकुलेट दक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम टेन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइव हंड्रेड एट टाइम टू ठीक है तो बेसिकली हम लोग को निकालना है ए टू टू टेन ब्रेक कहां पर है फाइव में है तो ए टू टू फाइव इंटू ए फाइव टू टेन तो ए टू टू फाइव इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टू टू फाइव पॉइंट जीरो एट डी टी तो एज इट इज हो जाएगा ई टू पावर पॉइंट जीरो एट इन टू थ्री फिर ए फाइव टू टेन इज इक्वल टू एक्सपोनशियल इंटीग्रेशन फाइव टू टेन जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो पॉइंट वन थ्री माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन टी होल इंटू डी टी ठीक है तो करिये. करिये इसको सॉल्व करिए करिए इसको सॉल्व और निकालिए पूरा फिर जो भी आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 500 से मल्टीप्लाई करके निकालिए आंसर कितना आ रहा है बताइए इतना रहा आंसर फटाफट फड़ से बताइए 836.82 आ रहा है क्या ठीक है अब जैसे नेक्स्ट हेडिंग लगाना स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या एक मिनट रुको थोड़ा सा आज इंटरनेट में कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नेक्स्ट प्लीज पुट द हेडिंग जेनरलाइज एक्सप्रेशन ठीक है जेनरलाइज्ड एक्सप्रेशन तो जेनरलाइज एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है अब जैसे मान लो अगर मेरे को बोलता है ए जीरो टू टू निकालो तो वहां से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसमें क्या होता है हम लोग को ए जीरो टू टी निकालना होता है तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन जीरो टू टी सिंस टी में लिमिट्स है तो यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा एस टी एस इज इट क्लियर तो मतलब यहां पर क्या होगा एक बार मैं जनरल एक्सप्रेशन निकाल लूंगा और फिर बार बार बस खाली वैल्यू पुटिंग कर करके मेरा आंसर आते जाएगा टी के जगह में खाली वैल्यू पुटिंग करने के एक एग्जाम्पल देखो इसका क्वेश्चन नंबर नाइन तो यहां पर मेरे को जैसे डेल्टा टी दे दिया है उन्होंने डेल्टा टी दिया पॉइंट जीरो एट फाइव तक और उसके बाद में जीरो पॉइंट वन थ्री माइनस पॉइंट जीरो वन टी ये मेरे को उन्होंने दे दिया ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा वेन टी का रेंज ये है तो इस रेंज के लिए ए जीरो टू टी अगर मेरे को निकालना है तो दिस विल बी वॉट ई टू दी पावर पॉइंट जीरो एट टी वेरी सिंपल कॉपी कर लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर नाइन चल रहा है ठीक है क्लियर इसके बाद में अब जैसे मान लो अगर मेरे को निकालना है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव तो अब क्या होगा ए टू टी फिर से बट अब, अब इसका ब्रेकअप हो जाएगा ए एरो टू फाइव इन टू ए फाइव टू टी ठीक है तो ए जीरो टू फाइव में क्या हो जाएगा ई टू दी पावर पॉइंट जीरो एट इंटू फाइव क्योंकि ऊपर में जो निकाले उसमें तो वैल्यू पुटिंग करना है ना इन टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन फाइव टू टी ठीक है जीरो पॉइंट वन थ्री माइनस पॉइंट जीरो वन एस होल इनटू डी एस ठीक है अब इसको सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ टी ई टू दी पावर जीरो पॉइंट फोर ई टू दावर जीरो पॉइंट वन थ्री टी माइनस फाइव माइनस पॉइंट डबल जीरो फाइव Square minus 25 माइनस इसको सॉल्व करिए पूरा को इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए क्या आ रहा है बताइए मेरे को तो अब क्या होगा ना फाइव के पहले अगर कुछ भी निकालने बोलेगा accumulation factor तो पहले वाले में डाल देंगे और फाइव के बाद अगर कुछ भी अक्यूमलेन फैक्टर निकालने बोलेगा तो दूसरे वाले में डाल देंगे और अगर फाइव बोलता है तो दोनों में डाल सकते हैं बिकॉज फाइव इज द कनेक्टिंग पॉइंट फाइव में क्या होगा दोनों में डाल सकते हम लोग एक जन ने आंसर तो दिया है e टू दावर जीरो पॉइंट वन थ्री टी माइनस पॉइंट डबल जीरो फाइव टी स्क्वायर और क्या आएगा माइनस जीरो पॉइंट वन टू फाइव आ रहा है क्या करो इसको सॉल्व करो माइनस होगा ना प्लस होगा अब दो टाइप का आंसर आ रहा है इसमें भी हाँ माइनस होगा ईशान दाबड़ीवाल बोल रहे प्लस होगा माइनस होगा सब लोग माइनस बोल रहे हैं इसका पता है फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से वी सॉरी वी नहीं है तो ए है ए टी क्वल टू ई टू दी पावर पॉइंट और उसके बाद ई टू दावर जीरो पॉइंट वन थ्री टी माइनस पॉइंट डबल जीरो फाइव टी स्क्र माइनस जीरो पॉइंट वन टू फाइव और टी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव समझा तुम लोग फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन करो तो लाइन से ये चारों क्लास वर्क है आराम से करो अच्छा तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेट दक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम एट ऑफ अ पेमेंट ऑफ फोर हंड्रेड एट टाइम थ्री हम लोग को ए निकालना है थ्री टू एट एक टाइम सिक्स पे ए थ्री टू सिक्स निकलेगा एन टू ए सिक्स टू एट निकलेगा तो ए थ्री टू सिक्स तो बहुत इजीली निकल जाएगा ई टू दी पावर पॉइंट जीरो फोर इंटू थ्री इंटू एक्सपोनशियल इंटीग्रेशन सिक्स टू एट जीरो पॉइंट पॉइंट टू माइनस जीरो टू टी होल इंटू डी टी सॉल्व करिए इसको पूरा को और इसको फोर हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में देखिए फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज गिवेन बाई दिस कैलकुलेट दी करिस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली मतलब डी टू निकालने बोल रहा है तो कुछ नहीं है एक्सपोनशियल माइनस इंटीग्रेशन वन से टू जीरो पॉइंट जीरो प्लस पॉइंट जीरो फोर होल इंटू डी टी ये मेरा क्या हो जाएगा एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर नाउ दिस इज वन माइनस डी टू बाई टू का स्क्वायर यहां से डी टू निकाल लीजिए हो जाएगा आपका और क्या क्लियर एवरी वन फोर्टीन फिफ्टीन का आंसर क्या आ रहा है बताइए फटाफट फड़ से फोर्टीन का आंसर क्या आ रहा है क्या जोर से बोलो फाइव जीरो एट पॉइंट फोर डबल नाइन फिफ्टीन का आंसर क्या आ रहा है कहां पर फाइव पॉइंट फोर टू फाइव परसेंट 5.425 परसेंट 5.425 इज द करेक्ट आंसर फिर से करिए आप ये एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है और ये भी एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है हम लोग को डी टू निकालने बोल रहे हैं। खुशी अग्रवाल 14, 15 हुआ ओके okay. फोर्स ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम टू ऑफ अ पेमेंट ऑफ वन थाउजेंड एट टाइम टेन ठीक है तो टेन से टू पे लाना है तो बेसिकली वी निकालना है टू से टेन तो ब्रेक है तीन पांच पे तो वी टू से थ्री बी थ्री से फाइव बी फाइव से टेन इज इट क्लियर एवरी वन ठीक है तो v सबसे पहले टू से थ्री निकालेंगे तो v टू से थ्री इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टू टू थ्री जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस पॉइंट डबल जीरो वन टी होल इंटू डी टी ये पहला हो गया उसके बाद में P थ्री टू फाइव इज इक्वल टू एक्सपोनेशियल माइनस इंटीग्रेशन थ्री टू फाइव जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव टी माइनस पॉइंट जीरो फोर होल इंटू डी टी ठीक है उसके बाद में P फाइव टू टेन इज इक्वल टू ई टू दी माइनस पॉइंट जीरो थ्री इंटू फाइव अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा वी टू टू टेन उसको हजार से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वेरिएबल फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अगेन इट इज वेरी सिंपल जो मेरा आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ वन प्लस एट दी पार एट इज इक्वल टू मेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या था हजार ठीक है तो यहां से मैंने आई सॉल्व करना है बताओ फटाफट फड़ से क्या क्या आंसर आ रहा है हुँ? कौन सा वाला इसके ऊपर वाला 706.45 हंड्रेड सिक्स पॉइंट फोर फाइव और ये वाला आई कितना आ रहा है आराम आराम से करो फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट आ रहा है पॉइंट जीरो फोर 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 इज इट क्लियर क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन करिए ग्यारह करिए बारह करिए देख क्या रही इतने गुस्सा से कल और परसों तो तुम लोगों को कोई क्लास है नहीं अब नेक्स्ट क्लास मंडे को है तो नहीं मतलब सी एम वन का बोल रहे हैं सैटरडे संडे ऑफ है मंडे क्लास होगा एज पर शेड्यूल क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखना तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बी के लिए एक्सप्रेशन बनाने बोला है राइट सबसे पहले जीरो टी टेन वी जीरो टू टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू टी पॉइंट जीरो फोर माइनस पॉइंट डबल जीरो टू एस एस इसका क्या फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है इसका क्या आएगा बोलो इसका ई टू दाइनस पॉइंट जीरो फोर टी प्लस पॉइंट डबल जीरो वन टी स्क्वायर क्या आएगा ई टू दू दू दावर जीरो पॉइंट डबल जीरो वन टी स्क्वायर माइनस T, ये सही है जो किए वो सही है पीछे का छोड़ दो जो किए हैं वो सही है ठीक है उसके बाद में इसमें टेन डाल दो वी जीरो निकाल लो इसमें टेन डाल के आंसर निकालो कितना आ रहा है क्योंकि दूसरा वाला में टेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन बट लेस देन तो उस वाले में मेरे को निकालना पड़ेगा वी जीरो से टी तो वो हो जाएगा वी जीरो से टेन इंटू वी क्या हो जाएगा टेन से टी ये क्या हो जाएगा देखो इसको जीरो से टेन कितना आ रहा है बताइए बी जीरो से टेन एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टेन टू टी पॉइंट जीरो वन फाइव एस माइनस पॉइंट जीरो एट होल इंटू डी एस सॉल्व करिए इसको तो सोल्व करिए लोग बोल रहे हैं ई टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट थ्री आ रहा है क्या हाँ? ये आ रहा है क्या देख लो अब इसको इसमें डाल दो तो वी जीरो से टी आ जाएगा और थर्ड वाले में तो आराम से हो जाएगा When t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो उसके लिए क्या हो जाएगा v जीरो से t जीरो से ट्वेल्व ट्वेल्व डाल देंगे सेकेंड वाले में ई टू दी माइनस पॉइंट जीरो सेवन इंटू टी माइनस ट्वेल्व इज इट क्लियर क्योंकि ट्वेल्व से टी करेंगे ना इसका रीजन देख लो इसका रीजन देख लो यहां पर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन ट्वेल्व से टी पॉइंट जीरो सेवन डी एस अब फाइनल एक्सप्रेशन निकालिए सेकंड वाला कितना आ रहा है बताओ सेकंड वाला कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है करो इसको आराम से आराम आराम से सॉल्व करो इसको कितना आ रहा है इसका सेकेंड वाला कितना आ रहा है सेकेंड वाला बोला ही नहीं कोई अभी तक तुम लोग कोई नहीं किया क्या e टू पावर माइनस पॉइंट डबल जीरो सेवन फाइव टी स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो एट टी माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव ये सेकेंड वाला आ रहा है क्या चेक करो ढंग से माइनस पॉइंट थ्री फाइव कोई बोल रहा है कोई बोल रहा है माइनस पॉइंट जीरो फाइव ऐसा क्यों इतना तो कंफ्यूजिंग नहीं है ये चीज चेक करो और थर्ड वाला थर्ड वाला किया तो, तो रॉन्ग क्यों हो रहा है चेक करो ना उसको दोबारा तो चेक करो ये क्या आ रहा है माइनस पॉइंट थ्री फाइव आ रहा है सबका तुम लोग चेक करो तीन जन बोला है माइनस पॉइंट थ्री फाइव यहां पर क्लास वर्क लिख के लिख रहे हैं सत्रह के बाद में करेगा ग्यारह बारह वन टू थ्री फोर सब है अभी कृतिका को तो एसी में पसीना आने लग गया है ठंड लग रहा है एसी ऑफ करो ए एसी ऑफ कर एसी ऑफ कर लाल बटन लाल बटन हाँ और कोई जो बोलना चाहेगा इसका आंसर सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो सेकंड वाले का क्या आंसर आ रहा है माइनस पॉइंट थ्री फाइव है कि क्या है करो दोबारा करो अच्छे से होगा करो करो यही सब यही सब में प्रॉब्लम होता है करो उसको तुम्हारा क्या आ रहा है करो इसको समको सॉल्व पूरा को नहीं आ रहा है बी जीरो टू टेन क्या आ रहा है ई टू माइनस पॉइंट थ्री तो ठीक है ये में करके देखते तुम लोग तो क्या आएगा इसमें नोट में कर देते हैं तो ई टू दी पार माइनस पॉइंट जीरो वन फाइव बाय टू ठीक है टी स्क्वायर माइनस हंड्रेड प्लस पॉइंट जीरो एट टी माइनस टेन अब तो कर लो और इसमें एक ये भी आएगा ई टू दी पार माइनस जीरो पॉइंट थ्री चलो इसको सॉल्व करो फिर ये मिडिल वाला है इसमें ट्वेल्व पुट करेंगे तो क्या आएगा वी जीरो टू ट्वेल्व सॉल्व करिए सॉल्व करिए इसको बैठिए छोड़िए मत छोड़िए मत हाँ तो मैं क्या कर मैं क्या बोल रहा हूं नहीं 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 टोटल पूछ रहा हूं और थर्ड वाला का फाइनल निकालो फिर तो कैलकुलेटर क्या हो तुम्हारा तुम हम लोग से ही ले लो श्रद्धा से पूछो तो है क्या उसके पास में ऑनलाइन ऑर्डर की हो श्रद्धा से पूछो श्रद्धा के पास में नया कैलकुलेटर होगा पैसा बाद में दे देना दे दे तो। थर्ड वाला क्या आ रहा है थर्ड वाला जो फाइनल वाला ई टू दी पर माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन टी प्लस जीरो पॉइंट थ्री सेवन ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो प्लीज इसको ग्यारह करो बारह करो वन टू फोर करो चलो आराम से करो बैठ के चलो हंसो हंसा हंसी मत करो एक घंटा अबे वो पुराना प्रवीण था अभी पूरा फॉर्म में है सब हाँ। लोग का फोन आ रहा है सर आप लोग यहाँ पर इतना देरी पढ़ाते हम लोग यहीं पढ़ेंगे बोले ठीक है पढ़ो दो महीना क्लास कर लो बस फिर तुम लोग देखो तुम लोग बस मिल गया ना चार चार साल में बना के निकाल देंगे तुम लोग देखना बस खाली चार साल चार साल में पूरा खत्म ही करा देंगे करो इसको फटाफट से ठीक है ग्यारह बारह और तेरह भी कर लो तेरा भी नहीं हुआ है ग्यारह बारह तेरह और वन टू फोर चलो तो करो ये वाला किसका आया है हैंड रेस करो तो ई टू दी पर माइनस पॉइंट जीरो सेवन टी प्लस जीरो पॉइंट थ्री सेवन काव्य खेम का आपका आ गया है ठीक है